नमस्कार, मेरा नाम सोनाली भंडारी है। मैं SGT यूनिवर्सिटी के NRSE डिपार्टमेंट में सिमुलेशन लैब ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। COVID-19 इन्फेक्शन की वजह से आज देश भर में बहुत सारे लोग सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उन्हें घर पर या अस्पताल में ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर COVID-19 पॉजिटिव मरीज का सैचुरेशन 95% से नीचे जाता है तब हमें ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ऑक्सीजन सिलेंडर के पार्ट्स देखते हैं। यह है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर में हमें एक लेवल तक पानी भरना होता है जो इसका निशान बना रहता है, मैक्सिमम लेवल। हम कभी भी मरीज को ड्राई ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ह्यूमिडिफायर के साथ फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर के साथ आपका रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर का काम है ऑक्सीजन की मात्रा को कम या ज़्यादा करने का। हम देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आप रेगुलेटर को घुमाएंगे तो ये जो बॉल है फ्लो मीटर की, ये ऊपर और नीचे जाएगी। तो जितनी ऊपर जाएगी उतना लीटर ऑक्सीजन मरीज को जा रहा है, और अगर आप इसको नीचे कर देंगे घुमा के तो धीरे धीरे करके ये ऐसे बंद हो जाता है। इसके साथ आता है टी वॉल्व। टी वॉल्व के साथ एक की आती है। इस की का काम होता है टी वॉल्व को बंद या खोलने का। अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है तो टी वॉल्व ओपन रहेगा, लेकिन अगर आपके मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो आप टी वॉल्व को हमेशा बंद रखेंगे, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की बर्बादी होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हमको ऑक्सीजन मास्क और नेजल प्रॉन्ग की ज़रूरत होती है ताकि मरीज के फेफड़ों में सही मात्रा में ऑक्सीजन जाए। ये नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं और ये ऑक्सीजन मास्क होते हैं। नेजल प्रॉन्ग में हम हमेशा 2 से 5 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर हमें 5 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन देनी है तो हम हमेशा ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ट्यूबिंग आती है। इस ट्यूबिंग को हम आपका जो फ्लो मीटर है उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप इसे मरीज के चेहरे पर लगा के ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें मरीज को ऑक्सीजन किस तरीके से देनी होती है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मरीज को ऑक्सीजन दें तो आपने मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। COVID-19 इन्फेक्शन वाले मरीज को आप कभी भी बिना सैचुरेशन चेक करे ऑक्सीजन नहीं देंगे। इसके बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर को सेट करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो फ्लो मीटर है उसका बॉल 0 पे होना चाहिए। इसके बाद आप जो टी वॉल्व है, टी वॉल्व को एक पूरी राउंड घुमा के ऑन करेंगे। इसके बाद आप नेजल प्रॉन्ग या फिर मास्क लगाएंगे। अगर आपने मरीज को नेजल प्रॉन्ग से ऑक्सीजन देनी है तो आप नेजल प्रॉन्ग लगाएंगे, वरना आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे। हम मास्क को इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर में फिट करेंगे। इसके बाद आप रेगुलेटर को घुमा के ऑक्सीजन का फ्लो सेट करेंगे और आपका मास्क रेडी है। कभी भी हमें मरीज को ऑक्सीजन सीधा लिटाकर नहीं देनी होती है। हम हमेशा मरीज का सरहाना ऊंचा करेंगे। या तो बेड की हाइट इतनी रखेंगे। अगर आपका मरीज बैठ सकता है तो आप मरीज को बिठा के ऑक्सीजन देंगे। अगर आपके पास ऐसा ऑटोमेटिक बेड नहीं है तो आप तकियों का सहारा लेके भी मरीज की पीठ के पीछे लगा के मरीज के सरहाने को ऊंचा कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑक्सीजन मास्क मरीज को लगाएंगे। ऑक्सीजन मास्क हमेशा मरीज का नाक और चिन को कवर करना चाहिए। इसके साथ जो इलास्टिक है इन्हें हम खींच के मास्क को टाइट भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन की लीकेज ना हो। जब हमें नेजल प्रॉन्ग लगाना है तो हम उसी तरीके से नेजल प्रॉन्ग को ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर में कनेक्ट करेंगे।
इसके बाद इसे हम नाक के अंदर लगाएंगे मरीज के, और मरीज के कानों के पीछे लगाकर ये जो ब्लू वॉल्व है इसे हम टाइट करके फिट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें नेजल प्रॉन्ग मरीज को लगाना है। ध्यान रहे, जब भी आप मरीज को ऑक्सीजन लगाएं, आपने सैचुरेशन मरीज की लगातार चेक करनी है। COVID-19 इन्फेक्शन वाले मरीज को हम हमेशा SpO2 चेक करके ही ऑक्सीजन देंगे। यदि मरीज का SpO2 95 से 100% के बीच में है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर SpO2 90 से 94% के बीच में है तो हम 4 से 6 लीटर के बीच में ऑक्सीजन देते हैं। अगर मरीज का SpO2 85 से 90% के बीच में है तो हम 6 से 8 लीटर के बीच में ऑक्सीजन देते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके मरीज का SpO2 85% से नीचे जाता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन लगाने के बाद हम नेजल प्रॉन्ग और मास्क को साफ़ करके रखते हैं। इन्हें साफ़ करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप नेजल प्रॉन्ग और मास्क को साबुन के पानी में साफ़ करके उसे सुखाएंगे और उसके बाद ही मरीज के लिए दोबारा इस्तेमाल करेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें जिनका आपने ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी बिजली के उपकरण या कोई ऐसे उपकरण जिनसे चिंगारी होने का खतरा होता है उसके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सिलेंडर बहुत जल्दी आग पकड़ता है। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना होने पर आप हमेशा टी वॉल्व को बंद रखेंगे। ऑक्सीजन का लीकेज नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।